हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट पॉलिसी के ऊपर। अकाउंट पॉलिसी को आपको ओपन कहाँ से करना है, आपको जस्ट सिंपल रन ओपन करना है। रन के अंदर आपको टाइप करना है secpol.msc सिक्योरिटी पॉलिसी और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आपका लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, लेकिन आज हम जो इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट हम डिस्कस करेंगे अकाउंट पॉलिसी के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले है पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी आपके पासवर्ड के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। जितनी भी, जैसे हम जब भी हम अपने सिस्टम के अंदर कोई भी पासवर्ड चेंज करते हैं या नया पासवर्ड हम लगाते हैं, तो ये इन पॉलिसियों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग ही वो हमारा पासवर्ड एक्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, इन्फोर्स पासवर्ड हिस्ट्री। बाय डिफ़ॉल्ट ये जीरो पासवर्ड मेंबर होता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ जो हमारी है वो किसी भी, ये मतलब जैसे सपोज कीजिए, हम एग्जाम्पल में लेते हैं, हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर पे हम, ऐसा तो है नहीं कि कभी कंटिन्यू एक ही पासवर्ड को हम यूज़ करते हैं। डे मतलब 20 दिन बाद, एक महीने बाद हमें अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। तो अब मान लीजिए मेरे सिस्टम पे अभी एडमिनिस्ट्रेटर का जो करंटली पासवर्ड चल रहा है वो है INT, ठीक है। 10 दिन बाद या 20 दिन बाद मुझे लगा इस पासवर्ड को चेंज करना है, तो जस्ट मैंने अगली बार भी क्या किया, चेंज पे गया और INT लगा दिया, सिंपल। या मैं दूसरा पासवर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं INT को ही दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं बताएगा कि ये पासवर्ड सर आपका अभी आपका पासवर्ड चल रहा है तो आप सेम पासवर्ड को यूज़ मत कीजिए या आप डिफरेंट पासवर्ड इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो पासवर्ड। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं देखता कि अभी तक आपने कितने पासवर्ड, कौन कौन से पासवर्ड आपने यूज़ कीजिए कर चुके हो। जो आप पासवर्ड चेंज करने जा रहे हो सकता है कि वही पासवर्ड आपका प्रीवियस पासवर्ड हो, तो वो एक सिक्योरिटी पर्पज़ से एक लेस सिक्योरिटी ही मानी जाती है। तो आप इसे कम से कम 5, अब हाँ देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाला, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है पासवर्ड मेंबर्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक हिस्ट्री में रखेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कि इस यूज़र के जो प्रीवियस 5 पासवर्ड है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, अब मैं यदि दोबारा किसी पासवर्ड को दोबारा मैं चेंज कर रहा हूँ और जो मेरा प्रीवियस पासवर्ड है मैं उसी को दोबारा रिपीट करके नया पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो ये हमें मना करेगा, ये हमें एक मैसेज देगा, एक वार्निंग देगा कि ये जो पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो ये आपका प्रीवियस पासवर्ड है और आप इसी पासवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, आपको कुछ डिफरेंट पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मतलब अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं है कि ये सिंपल यूज़र के लिए, ये आपकी जो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है ये पूरे सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है। इसमें सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटर, आपके सारे जो यूज़र्स है वो सब के ऊपर ही सेम इक्वली ही ये परमिशन अप्लाई या पॉलिसी काम करेगी। अगली, तो अभी हमने 5 पासवर्ड कर दिया, तो 5 पासवर्ड से मतलब क्या है कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हर यूज़र के प्रीवियस 5 पासवर्ड को रिमेंबर रखेगा और उसी पासवर्ड को दोबारा यूज़ नहीं करने देगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मैक्सिमम पासवर्ड एज। बाय डिफ़ॉल्ट हर यूज़र का जो पासवर्ड है जो वैलिड रहेगा वो रहेगा 42 डेज। जितने भी हम पासवर्ड यूज़ करते हैं उनकी जो लाइफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी 42 डेज। आप इसको यदि आप थोड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहते हो आप यहाँ पे डाल सकते हो 70। अब जितने भी मैं पासवर्ड लगाऊंगा, यदि मैंने पासवर्ड आज लगाया तो आज से वो 70 डेज तक वैलिड है, उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा इसके बाद। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू आगे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसको जो हमारे हैकर होते हैं उनसे बचने के लिए हमें अपने पासवर्ड को बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, इसलिए ज़्यादा इसकी लिमिट मत करो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा मिनिमम पासवर्ड एज। मैक्सिमम हम समझ चुके हैं कि वैलिड कब तक रहेगा, मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब है कि इतने दिन से पहले कोई यूज़र अपना पासवर्ड चेंज ना कर पाए। यानी कि मैंने यहाँ पे डाल दिया
10 डेज। यानी कि ये यूज़र, यदि कोई भी यूज़र हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी यूज़र हैं, वो यूज़र अपना पासवर्ड 10 दिन से पहले चेंज नहीं कर पाएंगे। 10 दिन के बाद वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी उसे चेंज करने के लिए मना करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम पासवर्ड लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या रहता है, 0 करेक्टर। यानी कि हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी यूज़र को ब्लैंक पासवर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन वही सिक्योरिटी पर्पज से आपको कम से कम इसे 6 करेक्टर पे सेट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी कोई आप पासवर्ड यूज़ करोगे वो कम से कम 6 करेक्टर का होगा जी। ठीक है, आगे, पासवर्ड मस्ट मीट कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, ये क्या चीज़ है? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट ये भी क्या है, डिसेबल है, इसे हम क्या करेंगे, अनेबल। जैसे ही मैंने इसे अनेबल किया, अब आपके सिस्टम में कोई भी पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड नहीं होगा, वीक पासवर्ड नहीं होगा। जैसे हम अपने किसी भी यूज़र को हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने उसका नाम उस यूज़र के नाम से ही मैंने उसका पासवर्ड डाल दिया, उसका मोबाइल नंबर डाल दिया पासवर्ड में, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने पासवर्ड में। ये ऐसे पासवर्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीक पासवर्ड, जो इजिली गैस कर लिए जाते हैं। अब जो अनेबल करने से, अब हमारे जो पासवर्ड डलेंगे, कम से कम 6 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उसमें अपर केस, लोअर केस, सिंबल, करेक्टर, ये सब कुछ आपको मिक्स करके उसमें पासवर्ड लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पासवर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। लास्ट हमारा ऑप्शन है स्टोर पासवर्ड। अब देखिए, ये विदाउट इंक्रप्शन हमारा पासवर्ड स्टोर होता है, तो इस ऑप्शन को आप तभी यूज़ करना जब आप किसी प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो। वैसे इस ऑप्शन को आप यहाँ पे, एक नॉर्मल आपका लोकल सिस्टम है, इस ऑप्शन को आप अनेबल डिसेबल करने से आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद हमारा अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, यहाँ पे हमारी पॉलिसी जो दी गई है वो है इनवैलिड लोअर अटेम्प्ट्स पे। इनवैलिड का मतलब क्या है, यदि मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 0 होता है, यदि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 4, अब जैसे ही मैंने इसको 4 सेट किया तो होगा क्या, यदि मेरी मशीन के अंदर यदि कोई यूज़र कंटिन्यू 4 बार गलत पासवर्ड डाल दे, सपोज कीजिए मैंने लॉग ऑफ किया और कोई किसी दूसरे सिस्टम, किसी एक यूज़र था, उसने अपने सिस्टम, इस सिस्टम लैपटॉप को या सिस्टम को ऑन किया, उसने देखा एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड लगा, उसने ट्राई किया कि देखा जाए इस पे क्या पासवर्ड है, उसने लगाया एडमिन समथिंग, कुछ 2-3 पासवर्ड उसने यूज़ किए, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी रखा गया है कि यदि कोई किसी भी अकाउंट पे यदि कंटिन्यू 4 इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स हो जाए, यानी कि 4 बार गलत पासवर्ड डाल दिया जाए, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लेकिन कब तक, वो कब तक रहेगा, आपका 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट तक वो लॉक रहेगा। यदि आपने 5th बार या 6th बार उसका गलत सेम मतलब करेक्ट पासवर्ड आपने डाल भी दिया तो भी वो लॉगिन नहीं ले पाएगा, लेकिन 30 मिनट बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हो। ये टाइमिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है कि वो यूज़र हमारा लॉक हो जाता है, लॉक होने के बाद वापस अनलॉक हो जाता है 30 मिनट्स के बाद। ठीक है, और यदि अब जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे, जो हमारा पासवर्ड है वो 70 डेज़ बाद, हर 70 डेज़ बाद हमें अपने पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है। यदि आप चाहते हो कि ये झंझट हमें ना करना पड़े, कि बस हमारा कोई एक दो ऐसे यूज़र होते हैं जिनको हम परमानेंट है, उनको इतनी हेडक नहीं देना चाहते कि उनको बार बार पे हम 70 डेज़, हर 70 डेज़ बाद उनको पासवर्ड चेंज करना पड़े, तो हम एक ऑप्शन का और यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, यूज़र पर जाइए और जैसे HP है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना पड़ेगा, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यानी कि ये पासवर्ड लाइफ टाइम चलता रहेगा। तो अप्लाई, ओके। इस वीडियो में हमने आज सीखा अकाउंट पॉलिसी के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।